व्हाट्सअप गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आपका भाई एक चीज दिखाने वाला, आप लोग मेरे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हो, तो लेकिन आप लोग ऐसा नाइंसाफी मत करो मेरे भाई। कि गाइस आप लोग क्या करते हो ना, हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे वीडियो क्या होता है, बहुत कम लाइक करते हो। यही गाइस आप लोग फोटो इस यूट्यूब पे पोस्ट करते तो आप लोग हमारे फोटो बहुत सारा लाइक देते हो, तो इसके गाइस क्यों आप लोग ऐसा मेरे फसाद आप लोग कर नाइंसाफी। इधर देखिए कि वीडियो अपलोड किए थे, आज का वीडियो है, कल जो वीडियो अपलोड किए थे कल का वीडियो आप लोग देखिए, कल के वीडियो आप कितना दिए, 400 कितना लाइक है आप लोग, 425 लाइक है, 425 लाइक है। और जो इसका फोटो अपलोड किया ना तो आप लोग इस पर कितना लाइक दिए पता है, अभी आप लोग दिखा रहे हो, 14 घंटा हुआ, 14 घंटा में 425 लाइक है बस आप लोग दिए। कि आप लोग ऐसा मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, एक एक लाइक और एक एक कमेंट से हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी इसको 2 दिन हुआ अपलोड करके, तो इस वीडियो हम क्या किए, इस वीडियो कितना आप लोग लाइक किए हो, 716 लाइक है, 716 लाइक। अभी गाइस इधर का फोटो आप लोग को दिखाते, फोटो इधर अपलोड किए हैं, इधर फोटो में आप लोग देखिए, फोटो इधर अभी आप लोग को दिखाते, फोटो में कितना ज़्यादा आप लोग लाइक दिए हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज़ मेरे भाई, आप लोग वीडियो देख रहे थे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। आप लोग को इधर देखिए कितना अभी आज का ही कितना 1900 लाइक है, कितना है 1900 लाइक करके है, तो 400 उस पर लाइक दिए थे। इधर देखिए 2 दिन करके इधर 5400 लाइक है, ठीक है 5400 लाइक है, आप लोग देख सकते हो, तो 700 कुछ लाइक दिए थे आप लोग वीडियो पे। इधर देखिए और जमीन आसमान का भाई लोग फर्क क्या है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नाइंसाफी मत करो, लेकिन आप लोग को ऐसा मत करो, जो आज वीडियो इस वीडियो पर आप लोग को 1000 का लाइक का टारगेट है, आप लोग जल्दी 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कीजिए, बहुत ही कमाल का वीडियो। आप लोग बस आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट चाहिए, आपका भाई ना आपको सब्सक्राइबर नहीं आपका बड़ा भाई मानता, ठीक है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नाइंसाफी मत कीजिए। इधर देखिए अभी 2-3 दिन हुआ अपलोड के, इस पर देखिए लिए कितना 500 कुछ लाइक है। आप लोग ऐसा मत कीजिए, जैसे आप लोग फोटो पर लाइक देते ऐसा वीडियो को लाइक कीजिए, और एक एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो आपका भाई ऐसा कुछ सीवी फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला है, जैसा आपका भाई थंबनेल में दिखाया ना ऐसा सेम फोटो एडिट करके नहीं दिखाया, तो आप लोग क्या कहना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके तुरंत ही आप लोग को चले जाना है। जो जो आपका भाई बताएगा सारा कुछ रियलिटी बताएगा, आप लोग देख सकते हो कितना HD क्वालिटी, और फेस को कितना आप लोग कितना भी ब्लैक रहेगा आप लोग फेस को कितना भी गोरा कर सकते हो। और सीवी एडिटिंग में बैकग्राउंड बनाने के लिए अभी तो कोई आप लोग इतना अच्छे तरीके से आप लोग को बता नहीं गा सारा कुछ भाई। ये रहा गाइस हमारा ओजन फोटो, इसी फोटो को हम क्या करेंगे एडिट करेंगे। और गाइस ओरिजिनल पिक को आप लोग देख सकते हो कितना गंदा और कितना बेकार था, इसी फोटो को हम फुल HD क्वालिटी में हम क्या करेंगे एडिट करके आप लोग को लाइव प्रूफ और आंख के सामने दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस फोटो को एडिट करने के लिए आप लोग क्या करना ना, अपना ओजन पिक को लाइटरूम एप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेना है। इस वीडियो में आप लोग को भाई प्रीसेट नहीं देगा, क्योंकि गाइस आप लोग को खुद आप लोग को नेचुरल बैकग्राउंड बनाने के लिए सिखाएगा, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग बैकग्राउंड नहीं बना पाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना ना, ओरिजिनल पिक को ले लेना है, ओरिजिनल पिक को लेना, कलर वाला आइकन पे गाइस आप लोग को आ जाना है। देखिए इसको क्या करेंगे, ग्रीन कलर करेंगे। ग्रीन कलर को करने के लिए आप लोग को सबसे पहले आपको कलर वाला पे आ जाना, उसके बाद गाइस आप लोग इधर मिक्स टूल दिख रहा है तो मिक्स टूल पे आप लोग को टैप कर लेना है। मिक्स टूल पे गाइस आप लोग को टैप करें, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो येलो कलर हमारे बैकग्राउंड में नीचे है, तो येलो कलर को हम प्रयोग करके इसको ग्रीन कलर को तरफ आप लोग पूरा खींचेंगे, एक ग्रीन कलर हो जाएगा। देखिए एक ही क्लिक में कितना अच्छे तरीके से ग्रीन कलर आप लोग ऐसा करके एडजस्ट कर लीजिए, जितना आप लोग ग्रीन रखना चाहो उतना ज़्यादा बैकग्राउंड हमारे ग्रीन है। ये इस बैकग्राउंड को हम बनाएंगे तो ग्रीन कलर आएगा, तो हमारा दोनों मैच बहुत अच्छे तरीके से करेगा। सेम प्रोसेस करके आप लोग भी ग्रीन कलर को आप लोग कर लीजिएगा, येलो कलर रहेगा तो आप लोग ग्रीन कलर को कर लेना है। उसके बाद देखिए इधर हमारा फेस है ना, देखिए इसको पूरा ग्रीन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा फेस जो आप लोग देख रहे हैं, तो हमारा फेस कितना ज़्यादा रेड और कितना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है। इधर दूसरे नंबर ब्रश को हम लोग लेंगे, इधर देखिए हमारा फेस को ये वाला ब्रश को हम लोग सॉरी गाइस ये वाला टूल को लेंगे, ये वाला टूल को लेना, इसको FC2 को क्या करेंगे हम कम कर लेंगे और नीचे वाले को इतना बढ़ा देंगे तो हमारा फेस क्या होगा गोरा हो जाएगा। तो उसके बाद गाइस आप लोग इतना प्रोसेस होने वाला सेव वाला आइकन पर गाइस आप लोग को टाइप करके अपना फोटो को क्या करना है आप लोग को सेव कर लेना है। तो देखिए अपना फोटो को सेव करके सबसे पहले आप लोग को पिकआर टाइप को गाइस ओपन लेना, इसी में गाइस आपका भाई बताएगा सीवी एडिटिंग और बैकग्राउंड अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप लोग को कौन सा ट्रिक आप लोग अजमाते हैं, सेम आप लोग को अपना जो खुफिया राज है सारा कुछ आपका भाई इस वीडियो में बता देगा। तो सबसे पहले गाइस ओरिजिनल पिक को ले लिए, जो फोटो को लाइटरूम एप में शेयर करें तो फोटो को लेके, तो इसी फोटो को हम क्या करें बैकग्राउंड आप लोग को कैसे बनाएंगे सीवी एडिटिंग, आप लोग को भी जिंदगी में सोचे नहीं होगा इतना अच्छा ट्रिक आपका भाई बताने वाला है, और आप लोग को ये ट्रिक कभी कोई बताया भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ बैकग्राउंड और PNG प्रीसेट का लिंक सारा कुछ मिल जाएगा, PNG
प्रीसेट तो नहीं है लेकिन PNG का प्रीसेट लिंक मिल जाएगा। आप लोग बैकग्राउंड लेके आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में आप लोग अपने फोटो के जैसा रहेगा अपने हिसाब से आप लोग बैठा ले, क्योंकि नीचे की साइड में घास है तो घास को हम अच्छे तरीके से बैठा इस वाला आइकन पर स्टाइप करेंगे। इस वाले आइकन पर स्टाइप करके बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, देखिए पेंसिल आइकन दिख रहा था, इस पेंसिल आइकन पर आप लोग को टाइप करता है। उसके बाद आप लोग बैकग्राउंड पर बस ऐसा करके डुलाएंगे तो हमारा बैकग्राउंड देखिए कितना इतना यार कितना आप लोग बताएं इतना ही आप लोग इतना खतरनाक ट्रिक है। कोई आप लोग जिंदगी में पूरा जिंदगी में आप लोग फोटो एडिटिंग देखेंगे लेकिन ऐसा ट्रिक आप लोग को कोई बता नहीं होगा। जब से आप लोग फोटो एडिटिंग के वीडियो देख रहे और सीख रहे तो ऐसा खतरनाक ट्रिक आप लोग बैकग्राउंड बनाने के लिए कोई भी बताया नहीं होगा यूट्यूब पर, ठीक है। जो आपका भाई जो ट्रिक और जो चीज बताता है सारा कुछ आप लोग को नेचुरल वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम क्या कहें ईटे ईटे बैठे तो आप लोग ईटों को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इस ईटा को नहीं लेंगे इधर इतना छोड़ेंगे नहीं ना तो क्या होगा हमारा फोटो अच्छे तरीके से नहीं लगेगा, क्योंकि ईटे पर यहाँ बैठे हैं ईटा बैठे हैं तो कि कैसे यहाँ पे क्या करेंगे अच्छे तरीके से वहाँ पे आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कैसे नीचे में सबसे पहले आप लोग को क्या ध्यान देखना ना नीचे के साइड में क्या होता है अच्छे तरीके से आप लोग बैठा नहीं पाते, क्योंकि गाइस अच्छे तरीके से बैठाने के लिए पूरा तो वीडियो देखना पड़ेगा तभी तो आप लोग को सारा कुछ समझ आता है आएगा। कि गाइस आप कभी बोलते रहता हर एक वीडियो आप लोग पूरा वीडियो देखो, इसके लिए गाइस आप लोग भाई बोलता रहता है एक एक स्टेप आप लोग मिस्टेक कर देंगे तो कभी जिंदगी में आप लोग फोटो एडिटिंग करना नहीं सीख पाएगा। आपका भाई चैलेंज के साथ बोल रहा है, इसके लिए गाइस आपका भाई बोलता पूरा एंड तक वीडियो देखना है। तो फाइनली गाइस हमारा क्या होगा ना अभी बैकग्राउंड को इसको और नीचे वाले को दोनों को मैच करेंगे। दोनों को मैच करने के लिए आप लोग को एडिट वाला आइकन दिख रहा है इधर आप लोग को मार्क मार के दिखा रहे तो इस एडिट वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करना है। उसके बाद गाइस ऐसा करके फेदर वन पे गाइस इधर देखिए इस वाला आइकन पे गाइस टाइप कर फेदर वन पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस खोलेगा, उसको एफसीटी को कम करके बस आप लोग क्या करना है पेंसिल आइकन पे गाइस टाइप करके बस आप लोग को क्या करना ना नीचे की साइड में ऐसा करके बस इस एफसीटी को अप्लाई करना है। कि गाइस दोनों को मैच कराएंगे अच्छे तरीके से तभी तो हमारा फोटो बवाल सा और खतरनाक दिखेगा। सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेना है, तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम कर रहे थे सेम प्रोसेस करके आप लोग भी कर लेना है। और गाइस मेरे चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और गाइस इस वीडियो पर 1000 का लाइक का टारगेट आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा तो बैकग्राउंड अभी क्या हुआ एडिट कर लिए हैं, तो अभी गाइस आप लोग को दिखाएंगे फेस को आप लोग कैसा स्मूथ करेंगे अच्छे तरीके से। और फेस को सबसे पहले आप लोग को बताएंगे, कोई भी आप लोग को बताया नहीं होगा आप लोग फेस को कैसा गोरा करेंगे। तो सबसे पहले इसी फोटो को हम क्या करेंगे अपना फोटो को ओजम फोटो को जो लाइटरूम में गाइस सेव करे तो फोटो को ऑटोडॉक स्केच बुक ऐप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेना है। इसमें शेयर कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खोलेगा तब लोग को फेस को और हैंड को और पैर को स्मूथ करेंगे। तो सबसे पहले दोनों फिंगर से आप लोग अपना फोटो को जूम कर ले जा, दोनों फिंगर से आप लोग को जूम कर लेना और गाइस आप लोग को क्या करना ए वाला गाइस आप लोग को ब्रश ले लेना स्मूथ करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन ब्रश है। हम हर एक वीडियो आप लोग को यही ब्रश यूज करते हैं कि गाइस इससे अच्छा कोई भी आप लोग को ब्रश जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। और गाइस इतना सेटिंग करके आप लोग करेंगे ना तो पक्का गारंटी के साथ बोल रहा है आप लोग को ब्रश और फेस स्मूथ करने के लिए आप लोग दूसरा वीडियो भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम क्या करें अपना फेस को स्मूथ करें। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी फेस को स्मूथ कर लिया। और गाइस फेस स्मूथ करने बाद पर आप लोग को क्या होता ना आप लोग का फेस क्या होता है बहुत ही ज़्यादा ब्लैक रहता है, तो ब्लैक को आप लोग रहता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं स्नैपशीट में सिलेक्टेड टूल पे जाते हैं वहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो आप लोग को ब्लैक टोन आ जाता है और ब्लैक रहता है वो गोरा हो जाता है। तो आप लोग को वो ट्रिक नहीं बताएगा, ठीक है आप लोग को वो ट्रिक नहीं बताएगा इस भाई में, लेकिन आप लोग को क्या होता है असम में आप लोग देखते आप लोग को फेस को गोरा करते तो सेम फोटो में हमारे फोटो में देखे होंगे कि एक जगह आप लोग को सेम जहाँ आप लोग किधर भी आप लोग ब्लैक नहीं दिखते सेम जहाँ गोरा रहता सेम हैंड पे हाथ पे और फेस पे सागा जाएगा ऐसा करके गोरा रहता है। तो ऐसा सेम प्रोसेस करके इस वीडियो में आपका भाई बताएगा। तो फाइनली गाइस अभी क्या करते हैं जल्दी जल्दी करके हम अपना फेस वगैरह स्मूथ करके और ट्रिक आप लोग को बताएंगे जरूर। और जो जो ट्रिक बताते हैं तो आप लोग एकदम पूरा नेचुरल वर्क करता है ऐसा करके आप लोग भी करके अपना फेस को क्या करें स्मूथ करके इसके बाद गाइस आपका भाई बताएगा आप लोग कितना आज भी आप लोग का फेस ब्लैक रहेगा तो आप लोग कैसे गोरा कर सकते हैं। तो आपका देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो फाइनली गाइस हमारा फेस तो स्मूथ हो चुका, अभी बारी आता फेस को गोरा करने के लिए। फेस को गोरा करने प्लस वाला आइकन पर गाइस टाइप करके डुप्लीकेट लेयर बना कि इसे आले आइकन पे गाइस टाइप कर इधर सॉफ्ट लाइट करके लिखा तो सॉफ्ट लाइट पे हम क्या करेंगे इस पे टाइप कर लेंगे। एक बार में गाइस आप लोग को वीडियो नहीं समझ आता पूरा दो बार में आप लोग वीडियो देख लेना। उसके बाद कलर वाला आइकन पे गाइस आके आप लोग को क्या करना है व्हाइट कलर को आप लोग सेलेक्ट करके क्या करना आप लोग को ब्रश वाला आइकन पे आके ये वाला गाइस आप लोग को ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। तो वाला गाइस हम क्या करें ब्रश को सेलेक्ट कर ले ये वाला गाइस ब्रश को सेलेक्ट करके बस आप लोग को क्या करना है ना देखिए
बस अपने फेस के ऊपर इसे सर्च करके आप लोग फेस ज़्यादा गोरा हो गया तो आप इसको आप सीटों को कम कर लेंगे। आप लोग जितना गोरा रखना चाहते हैं हमको इतना गोरा करके रखना है तो इतना गोरा करके हम रख लेते हैं और पूरा फेस पर हम क्या करेंगे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम तरीके से आप लोग भी करके अप्लाई कर लीजिए और जितना आप लोग फेस को गोरा रखना चाहते तो आप लोग उतना अच्छे तरीके से गोरा भी कर सकते हो। ऐसा सेम प्रोसेस अगर जहाँ चाहे आप लोग ब्लैक टोन रहेगा और व्हाइट भी रहेगा तो दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। ऐसा करके आप लोग पूरा फोटो अप्लाई कर लेना जहाँ जहाँ आप लोग पैर हो गया, हैंड हो गया और हाथ हो गया और फेस हो गया, सारा जगह ये तरीका अप्ला लेना। बस आप लोग को क्या करना, हेयर पे नहीं अपनाना है क्योंकि हेयर भी व्हाइट हो जाएगा तो आप लोग को हेयर अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद गाइस आप लोग इतना ट्रिक आप लोग को बताने बाद गाइस आपका भाई बताएगा ना, आपका भाई बताएगा फोटो को पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप लोग फोटो को कैसे काटते तो आप लोग अच्छे तरीके से नहीं कट पाता और HD क्वालिटी नहीं हो पाता है तो आपका भाई बताएगा पीएनजी को कैसे आप लोग। और गाइस आप लोग को क्या होता है, एक भाई बहुत ही ज़्यादा फ़ोन करके पूछ रहा है कि गाइस हम इसमें जाते हैं पिकाटे में जाते हैं तो हमारा फोटो क्या होता है, ब्लर हो जाता है। उसमें गाइस ब्लर नहीं होगा, क्या करेंगे ट्रिक तो ब्लर नहीं होगा तो भी आपका भाई इस वीडियो में बताएगा। इतना प्रोसेस करने होगा जैसे आप लोग को क्या करना, हमारा फोटो फेस स्मूथ हो गया और फेस को कैसा गोरा करें और पूरा हैंड वगैरह सारा कुछ गोरा हो चुका और फेस वगैरह सारा कुछ स्मूथ हो चुका। और इतना प्रोसेस होने वाले गाइस आप लोग शेयर वाला आइकन पर गाइस टाइप करेंगे तो आप लोग को फोटो ऐसा करके स्कैन करेंगे और लोडिंग लेगा तो देख सकते हो हमारा फोटो कितना अच्छे तरीके से लोडिंग ले रहा है। ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग भी करेंगे तो आप लोग का फोटो लोडिंग लेगा। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा कि गाइस आप लोग को दोबारा दिखा रहे हैं शेयर वाला आइकन पर गाइस टाइप करेंगे कुछ आप लोग भी फोन ऐसा करके लोडिंग लेगा कि गाइस जैसा आपको क्या होता ना, जैसा आपका डाटा काम करता ऐसा करके ये भी काम करता कि गाइस आप लोगों को डाटा के ऊपर ऐसा करके काम करता है। तो इतना प्रोसेस होना से फोटो रूम में गाइस अपना फोटो को हम शेयर कर लेंगे, फोटो रूम में गाइस शेयर करेंगे तो आप लोग इसमें भी गाइस आप लोग डाटा निकाल लीजिए तभी ये ट्रिक काम करेगा और ना नहीं काम करेगा। उसके बाद गाइस कुछ आप लोग का फोटो ऐसा स्कैन करेगा क्योंकि इस सारा कुछ वो मैनेज करता उसके बाद पीएनजी में इसको कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, ऐसा करके स्कैन करेगा, स्कैन करने बाद उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना पड़ेगा ना, देखिए एक ही क्लिक में हमारा फोटो क्या कन्वर्ट हो गया पीएनजी में। कन्वर्ट हो गया तो आप लोग कैसे इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने में तीसरे नंबर दिख रहा था, तीसरे नंबर पर टाइप करके इसको गाइस आप लोग इस पर टाइप कर देंगे। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ ऐसा करके इंटरफेस खुलेगा, शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके यहां से क्या करेगा अपना फोटो को पीएनजी में कन्वर्ट हो गया तो फिर इस पीएनजी को हम क्या करेंगे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर से गाइस आप लोग क्या करना है, इसमें गाइस लाइटरूम फोटो इसमें गाइस सॉरी गाइस पिकाटे में गाइस आज के जो बैकग्राउंड को एडिट किए थे, बैकग्राउंड को सीवी एडिट में कन्वर्ट किए थे, वो बैकग्राउंड को ले लेना है। उस बैकग्राउंड को गाइस लेना, ऐड फोटो पर जाना, ऐड फोटो पर गाइस आप लोग को आने बाद गाइस आप लोग को क्या करना, जो पीएनजी को लिए तो पीएनजी को ले लेंगे, उसका दोनों फिंगर से जूम करके आप लोग उसको फोटो के ऊपर सेम ऐसा करके बैठाएंगे तो आप लोग को इतना रियल लुक आप लोग को देखने को मिलेगा कभी आप लोग जिंदगी में आप लोग को सोचे नहीं होंगे। तो देखिए इतना अच्छे तरीके से वो हमारा ईटा बैठ चुका था, ईटों को अच्छे तरीके से मैनेज किए थे। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, अपने कपड़े पर सीवी रीटिंग का इफेक्ट कैसे देंगे तो वो भी भाई आपका भाई इस वीडियो में बताएगा। बस आप लोग को क्या करना ना, पूरा एंड तक वीडियो देखना, एडिट वाला आइकन पर गाइस टाइप करके इस वाला आइकन के फेदरॉन पर गाइस आप लोग को टाइप करना है। देखिए इस वाला आइकन पर गाइस टाइप करके फेदरॉन पर गाइस आप लोग को टाइप कर लेंगे, फेदरॉन पर गाइस टाइप करके कुछ आप लोग का भी फोन ऐसा करके लोडिंग लेगा। उसके बाद गाइस लोडिंग लेने के बाद प्रिंसिपल आइकन पर गाइस आप लोग को टाइप करना है, प्रिंसिपल आइकन पर गाइस टाइप करके बस अपने कपड़े के ऊपर और गाइस आप लोग को क्या करना बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, बस अपने कपड़े के ऊपर और पैंट के ऊपर आप लोग को अप्लाई करना है क्योंकि इस बैकग्राउंड में आप लोग को गलती से भी आप लोग टच मच कीजिएगा कि कैसे आप लोग बैकग्राउंड में गलती से भी आप लोग टच कर देंगे तो आप लोग का पूरा फोटो का क्या होगा ना, खराब हो जाएगा, पूरा ये फोटो आप लोग को खराब हो जाएगा। ऐसा करके सेम प्रोसेस करके पूरा फोटो अप्लाई कर लीजिएगा तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसा आपका भाई बोला और जैसा आपका भाई बताया तो सेम सारा कुछ आपका भाई बता चुका। बस आप लोग को क्या किया ना, एक चीज कि आप लोग को एक चीज़ नहीं बता, हेयर को कैसा अच्छे तरीके से एडिट करा जाता है और कपड़े का कलर चेंज करना चाहते तो वो भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आप लोग को वो भी बता देंगे। बस आप लोग को क्या करना, जैसा आप लोग प्यार एंड सपोर्ट करते हो और इतनी सारा आप लोग प्यार एंड सपोर्ट करते रहिए और गाइस मेरे चैनल पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इस वीडियो का आप लोग को पता है 1000 लाइक कंप्लीट आप लोग को टारगेट का आप लोग मेरे भरोसा है तो आप लोग पक्का कंप्लीट कर देंगे। उसके गाइस आप लोग जिस वीडियो पर आप लोग कमेंट करना चाहते जिस टॉपिक पर